अरे बाप रे, चुहिया। चुहा? कहाँ है चुहा? चुहिया तू है, चट कर गई ना मेरा पराठा। माधुरी दीक्षित कैसे? मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया पराठे को। तो फिर किसने खाया मेरा पराठा? बस कर यार नैना, कब से गाने का मतलब पूछे जा रही है? प्रीति बता ना, तुझे तो फिल्मों का कीड़ा है ना? हाँ है, लेकिन मैं फिल्म का नाम, एक्टर, डायरेक्टर, यहाँ तक कि कब रिलीज हुई थी वो भी बता सकती हूँ। भैया चूड़ियाँ कैसे दी? 4 रुपए दर्जन। 4 रुपए? बड़ी महंगी है भैया, चूड़ियाँ है, सोना थोड़ी ना बेच रहे हो। मेगा बहन, पेट्रोल का दाम 8.5 रुपए लीटर हो गया है, तो चूड़ियाँ महंगी नहीं होंगी? नहीं नहीं भैया, बराबर बताओ। गाने का मतलब कौन ढूंढता है? गाने तो सिर्फ गाने के लिए होते हैं। ए नैना, मेगा बहन, चल उनसे चलकर पूछते हैं। चल। मेगा बहन, आग बरसती है सावन में, पानी का है नाम। हाय हाय, किधर आग लगी है? अरे वो वाली आग नहीं, सुनिए। ये दीवानी शाम, ये मस्तानी शाम, आग बरसती है सावन में, पानी का है नाम। गाने का मतलब बोलिए ना। बताती हूँ मतलब, बेशर्मी की हद होती है। चल घर, आज आग भी बरसेगी और पानी भी नहीं मिलेगा, बेहुदा लड़की, चल। जी हाँ, आज फिर पिटूंगी ये तय था, पर कितना और कैसे ये पता नहीं था। क्या लिख रही हो अपने बेटे पे कविता? पापा प्लीज, मैं समीर के पापा के एडवाइस पर प्रिंसिपल को एक लेटर लिख रही हूँ ताकि उसका दोबारा एडमिशन हो जाए नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में। देखिए ना, ड्राफ्ट सही है कि नहीं? हाँ, गलत है। गलत है? अरे आपने तो देखा भी नहीं है, क्या गलती की है इसमें? कुछ भी तो सही नहीं है, ना तुम्हारा तरीका सही है, ना तुम दोनों का रिश्ता। पापा प्लीज, टॉपिक को चेंज मत कीजिए। इस वक्त बात कोई रिश्ते विश्ते की नहीं हो रही है, समीर की स्टडीज की हो रही है। समीर नैनीताल नहीं जाएगा। पर क्यों? आखिर ये समीर के भविष्य का सवाल है। विशा का बात समीर के भविष्य की नहीं है, उसके वर्तमान की है। वो जिस दौर से गुजर रहा है ना, उसे हॉस्टल की नहीं, एक घर की जरूरत है। बोर्डिंग के बंधन की नहीं, अपने पन की जरूरत है। वो यहीं रहेगा मेरे पास। हाँ पापा, आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं। नहीं, तुम कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल हो रही हो। सॉरी विशाखा, तुम इसे मेरी जिद समझो या मेरे जज्बात, समीर नैनीताल नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा मेरे पास। ओके? उस जमाने में बाल बांधना संस्कारों का सर्टिफिकेट था। फिल्मी गाने का मतलब पूछने जैसी वेजिटेरियन हरकत पर भी इस तरह चांटा खाना हमें गलत नहीं लगता था। लेकिन सच में मुझे कई सालों तक समझ नहीं आया कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत पूछ लिया था जो मुझे थप्पड़ पड़ा। छी, ये कैसे स्कार्फ बांधा है? तुझे पता है ना, आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उनके सामने ऐसे मत चली जाना। ना ना, वो थप्पड़ से गाल पर निशान बन गया ना, इसलिए। तो ऐसी हरकतें करती क्यों है? ये भगवान, किसी बहने मिली है मुझे, मुझे तो लगता है इस जन्म में मेरी शादी होने से नहीं। ये ना, लगता है हाथ में वरमाला लेकर ही पैदा हुई थी। पूरे दिन शादी, किसी को थप्पड़ पड़ी उसकी तो जरा भी पड़ी नहीं है। छोड़ ना, चल लेट हो रहा है स्कूल के लिए। हाँ। प्रीति देखना, थप्पड़ का निशान दिख रहा है क्या? नहीं रे, तू मस्त रह, पर इस थप्पड़ की गूंज मुझे हमेशा याद रहेगी, और आगे से तू गाने का मतलब ना मुझसे भी नहीं पूछेगी। यार मुझे तो समझ नहीं आता, थप्पड़ है या भगवान का कोई रूप, कहीं भी किसी भी बात पर प्रकट होकर पड़ जाती है। और तू ही बता, ऐसी क्या गलती कर दी मैंने? हमारे खानदान की लड़कियां रोमांटिक गाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं, वो वाली गलती। पर इसमें रोमांटिक क्या है? आग बरसती है सावन में,
लोचन ने कहा था अर्थ समझो, मैंने अर्थ पूछा तो अनर्थ हो गया। ताई जी के थप्पड़ से इतना तो समझ में आता है कि इस गाने का मतलब कुछ उल्टे वाला है। सच में सालों बाद समझ में आया कि ये लाइन रोमांटिक भी थी और सेंशुअस भी। क्या हुआ समीर, मेरे जाने का दुख हो रहा है? पता नहीं। अपने नाना का ख्याल रखना, इन्हें ज्यादा सताना मत। नहीं नहीं, मुझे नहीं सताएगा। और ध्यान से पढ़ना। बाय पापा। बाय बेटा। रास्ते के लिए पानी रख लिया? हाँ हाँ रख लिया। और पहुंच के मुझे फोन जरूर करना। जरूर करूंगी। चलो बाय, टेक केयर। बैठो बैठो। तुझे पता है जब तू छोटा था तो तू मुझे क्या कह के बुलाता था? क्या? मम्मी। What? Really? हाँ हाँ। तब तू मुझे मम्मी क्यों कहता था? उसकी वजह मुझे आज जाके समझ में आई है। वजह? क्या वजह हो सकती है नानू? अब तो आ गया ना मेरे पास, तो सब बता दूंगा। लव यू मम्मी। और वैसे भी आप मम्मी से कम थोड़ी हो। ए, ए, क्या कर रहा है? अमीन, हेलो, तुझे भी थप्पड़ पड़ा? तुझे क्यों पड़ा? इस मनुष्य किताब की वजह से। ए, इस किताब में कानों के मतलब भी है क्या? नहीं, क्यों? देखना, थप्पड़ भी मार दिया और गाने का अर्थ भी नहीं बताया। नमस्ते, नमस्ते, टीचर। नमस्ते बच्चों, बैठ जाइए। अपनी पुस्तक का पेज नंबर 37 खोलिए। आप लोग इस पन्ने पे दिए हुए सारे प्रश्नों को हल करिए, तब तक मैं प्रिंसिपल सर से मिलके आती हूँ। यस मैडम। कोई शोर नहीं करेगा। आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। पागल है क्या? जो कर देगा। लड़कियाँ हंसती तो है पर फंसती नहीं। ये ससुरा सिग्नल ले आ रहा खिड़की के पास। चलो चलो चलो। नैना, तुम्हारी विज्ञान की नोटबुक मिलेगी? नहीं। ये साला पढ़ाकू लड़की के पास क्या कर रहा है? जीवन विज्ञान या मानव शरीर समझने के आए? मानव शरीर? गणित के पीरियड में तुम्हें विज्ञान की नोटबुक क्यों चाहिए? वो मुझे कुछ तो चेक करना था, देना ना प्लीज। घर पर है। क्या विज्ञान की नोटबुक नहीं लाई? आज विज्ञान की क्लास ही नहीं है तो मैं विज्ञान की नोटबुक क्यों लाऊंगी? संजय की नहीं, मेरी बुरी किस्मत थी कि मैं उस दिन विज्ञान की किताब स्कूल में नहीं लाई, घर छोड़ आई। ताजी ताजी सब्जी साफ करके लाना जी, गंदा पड़ा हुआ। मैं ये पूजा को टाका लगाना सिखा रही थी, सही है ना? अरे वाह, एक ही रात में रसोई के सारे बर्तनों ने कपड़े पहन लिए, मतलब वो फटा दुपट्टे इतने काम का था। बेला, इसे औरत की सुघड़ता कहते हैं। ये ले चावल का पानी, कलफ के काम आएगा। इस चावल के पानी से कपड़ों पे कलफ तो लग जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान से सुन, लड़की के चरित्र पर दाग लगा तो सारी गंगा मैया का पानी भी उसे धो नहीं पाएगा। सही कहा आपने भाभी जी, पता है मैं तो आधी रात में नींद से चौक के जाग जाती हूँ नैना की चिंता में। अब क्या करें, ठहरी जवान खून, ज्यादा सख्ती भी तो नहीं कर सकती ना। नहीं तो लोग तो कहने के लिए बैठे ही है कि चाची है जो डायन बन के सता रही है बिन माँ बाप की। हाँ, बच्ची तो सख्ती मत कर लेकिन उकसा भी मत।
तू यहाँ कान लगा के क्या सुन रही है? जा सफाई कर बाहर जाके। काम चोर कहीं की। हाय हाय, भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, मैंने कब उकसाया? तो ये फिल्मी किताबें क्यों मंगवाती है? हैं? जिन्हें पढ़ पढ़ के लड़कियाँ बेल के जैसे जवान हो रही है। अरे भाभी जी, मैंने आपको बताया तो था वो पूजा को नए जमाने की रसोई सिखाने के लिए। अब इस परिवार में कोई तो नए जमाने की रसोई बनाए, है ना? ओ भाई, नए जमाने की रसोई है? तेरे घर में परमल तक तो सीधे कटते नहीं, बिना चुने दाल पकाती है, सुबह की सब्जी 2 दिन तक परिवार वालों को खिलाती है, हफ्ते में 10 बार तो खिचड़ी पका के खिलाती है। पुराने जमाने की रसोई सीखी नहीं, नए जमाने की रसोई सिखाएंगी। बात करती है। बज गई घंटी। फोन तो पड़ोसी का आया था, पर बैंड मेरी बजने वाली थी। जल्दी से मेगाबेन के घर से किसी को बुला, उनका फोन आया है। उस वक्त पूरे मोहल्ले में सिर्फ 1-2 घरों में ही फोन होते थे। वो एक फोन नंबर पूरी कॉलोनी का फोन नंबर बन जाता था। मेगाबेन के घर पे कोई नहीं है। कोई नहीं है? अच्छा, हेलो। हाँ, उनके यहाँ पर कोई नहीं है। हाँ, मैसेज? अरे कोई पेन कागज लाएगा? तू ही है मेरा होनहार। अब कागज 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 कहाँ से निकालूं? कागज? बेटा एक काम करो, चाची के घर जाओ और जो कॉपी पड़ी हो उसे उठा लाओ। ये सेंट जेवियर्स के प्रिंसिपल के नाम की चिट्ठी है, उसे जाके दे देना, एडमिशन हो जाएगा। हुँ? पर नानू। बेटा तुम टेंशन मत लो, जरद अंकल तुम्हारे साथ जाएंगे, ये आज ही सब कुछ करवा देंगे। जरद गाड़ी निकालो। जी मालिक। नानू, आज के आज एडमिशन लेना जरूरी है क्या? हाँ बेटा जरूरी है। पर स्कूल तो कल भी खुलेगा। बेटा देखो, मैंने तुम्हारी माँ को प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं होने दूंगा, सो प्लीज डोंट आर्ग्यू विद मी। ओके, चल शाबाश। बाय नानू। बाय बेटा। हम इस मोपेड पे जा रहे हैं। अरे समीर बाबा, गाड़ी में पेट्रोल कम है। अंकल स्कूल का फर्स्ट डे है, इस घटिया मोपेड पे मैं कभी नहीं जाऊंगा। अरे समीर बाबा, इस मोपेड में क्या खराबी है भला? उस टाइम पे लूना हो या जनरेटर या गाड़ी, सब पेट्रोल से ही चलते थे। डीजल, सीएनजी ये सब नहीं आया था। समीर जुगाड़ लगाने में माहिर था। जुगाड़ शायद यही वो एक चीज है जो तब से लेकर अब तक बदली नहीं है। अरे समीर बाबा, वो कर्नल साहब की गाड़ी है। अरे देखेंगे तो गोली मार देंगे। डोंट वरी अंकल, आपके मरने के बाद आपकी फैमिली का पूरा ध्यान रखूंगा, आई प्रॉमिस। हे भगवान, हद है बेशर्मी की, रक्षा करना। कर्नल साहब ने तो नहीं देखा, यहाँ कहीं नाना जी ने देख लिया तो? रिलैक्स अंकल, नहीं देखेंगे। वैसे एक बात कहूं, ओ बड़े टोपी बाज लड़के, एक दिन नाना जी का नाम रोशन जरूर करोगे। नाना जी का नाम राकेश रोशन, ये कब हुआ? वाओ मुंशी जी, कितना कमाल का स्कूल है। देख लीजिएगा, मालिक के इस चिट्ठी के बाद आपका एडमिशन किसी भी स्कूल में हो जाएगा, इस सेंट जेवियर में भी। वैसे पता है मालिक ने आपके लिए यही स्कूल क्यों चुना? हाँ, क्योंकि ये सेंट जेवियर्स अहमदाबाद का सबसे बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल है, राइट मुंशी जी? नहीं, क्योंकि आपके पापा सोमानी जी 2 साल इसी स्कूल में पढ़े थे। क्या हुआ? मेरी माँ के पति मिस्टर विवेक सोमानी, वो भी इसी स्कूल में पढ़े हैं।
रस्मी चॉकलेट ये कागज में क्यों लगाया हुआ है? डियर नैना, मैंने प्यार किया है तुमसे, ये प्यार नहीं तो और क्या है नैनो? तुम क्लास में फर्स्ट आती हो तो मैं खुश होता हूँ, तुम स्कूल में एब्सेंट होती हो तो लगता है स्कूल खाली हो गया है, तुम गुजरती हो तो लगता है हवाओं में खुशबू घुल गई, और जब प्यार होता है ना तो दिल को चोट लगती है, हाय हाय, उस चोट के निशान दिखते नहीं हैं, पर सारी उम्र मिटते भी नहीं। हे भगवान, अगर तुम्हें भी चोट लगे तो कल इसी किताब में अपना जवाब मुझे देना। तुम्हारा अनजान प्रेमी। हाय हाय, ये क्या सुन लिया? सब सत्यानाश। नहीं वाह, अग्रवाल खानदान की तो नाक कट गई। अब क्या करेंगे बताओ? जिसके ताऊ जी इतने बड़े वकील, जिसका चाचा इतना बड़ा सीए, और जिसका बाप, बाप को तो छोड़ो, बताओ, मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अरे क्या करूं? भाभी जी पानी। अरे सब जल के खाक हो गया, अब क्या पानी डाल रही है उसके ऊपर? बताओ अग्रवाल खानदान की लड़की के यहाँ प्रेम पत्र, सत्यानाश। हे भगवान, अब क्या होगा? सारे मोहल्ले में क्या मुंह दिखाएंगे? इस अनजान प्रेमी की जान नहीं निकाली तो मेरा नाम बिना नहीं। ए नैना, तेरे थप्पड़ का निशान नहीं दिख रहा, निकाल दे। पक्का? पक्का। ए मेरा दिख रहा है क्या? तेरा भी नहीं दिख रहा। अच्छा नैना, हाँ? तुझे पता है मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आज तेरे साथ ना कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। सच्ची? मतलब आज लोचन सर मुझे जूलियट का रोल दे देंगे। क्या पता, ये भी तो हो सकता है कि आज स्कूल में तेरे लिए कोई रोमियो आ जाए। इधर सुनना, सलमान खान जैसा होगा, मुझे नहीं देखना। तू चल चुपचाप। तब देख लेती तो मान जाती कि सच में आज कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है। समीर जो आ गया है स्कूल में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।